अरे यार तू सोएगा तो मुझे भी नींद आएगी और फिर क्या होगा, मरेंगे ना। क्या तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? अरे छोड़ो यार, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। तू कभी नहीं सुधरेगा। वजह से यह सब हुआ। अब हम क्या करें? लिफ्ट। फिल्मों में हीरो बनने के लिए सब कुछ छोड़कर मैं इस शहर में आया और उसी रात मुंबई में मैं अमिताभ का पोस्टर देख रहा था और बगल में एक व्यक्ति डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा का नाम पढ़ रहा था। वही है आज मेरा जिगरी दोस्त अरविंद। मुझको अमिताभ बहुत पसंद है तो उसे रामगोपाल वर्मा पसंद है, मगर दोनों ही फिल्मों में आने के लिए पागल थे। मैं हीरो, वो डायरेक्टर। कितने ही सपने, बहुत सारी उम्मीदें। वैसे हम दोनों मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कितनी कोशिश की हमने पर मौका नहीं मिला। सारे पैसे खत्म हो गए। कृष्णा नगर बांद्रा ईस्ट में कमरा लेकर भाड़े पर रहने लगे हम। पैसे तो थे नहीं, कहां से देते। फिल्म की शूटिंग में जाकर उनके मना करने पर भी काम करते, उनके धिक्कारने पर भी भाई दोस्त बोल के वहीं खाना भी खा लेते थे। लेकिन लोकेशन में हमेशा उसकी नजर डायरेक्टर पर ही होती थी। दुनिया में उसे बस दो ही बातें पसंद है, एक्शन कट। ऋषि देखो, हम लोगों को भोजन किए बगैर कितने दिन हो गए। आधी रात तक मैं डांस प्रैक्टिस करके सो जाता तो वो मुझे आधी रात को उठा के स्टोरी सुनाता। उसकी बताई हर स्टोरी में मैं ही हीरो था। कभी ना कभी बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा सोच के उसने बहुत कष्ट उठाए, बयान करना मुश्किल है। भूखे पेट, अपमान, बेइज्जती सब कुछ बर्दाश्त किया हमने। तो एक दिन इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए परेशान घूम रहा एक बिजनेसमैन फिल्म बनाने को तैयार हो गया। अब तक सिर्फ उम्मीदों में बन रही हमारी स्टोरी सेट तक पहुंची। एल्बम में जो मेरे फोटोज थे वो पोस्टर बनने चले गए। कभी हम अमिताभ रामगोपाल वर्मा बनने की सोचते थे तो आज बहुत से लोग ऋषि अरविंद बनने की सोच रहे हैं। पहले किसी काम के नहीं थे हम दोनों, अब बहुतों के आदर्श बनने लगे। कट इट ऋषि, सीन समझो और इमोशन कम्युनिकेट करो। जैसा मैंने बोला वैसे ही बोलना। हमारी कहानी है, मैं अरविंद, वो ऋषि। सर, पूरे के पूरे 70 स्क्रिप्ट आए हैं आप तक, रेडी करके रखूं, आप पढ़ेंगे क्या? यानी ये सारी स्क्रिप्ट मुझे अकेले को पढ़नी है? सर एक काम करो, इनको पढ़ के इनमें से सर जो तुम्हें पसंद आए उन्हें सिलेक्ट करके तुम रख दो। ओके। तब उसमें से बेस्ट स्क्रिप्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके ओके सर, ठीक है। ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। जाओ। क्रेजी। हेलो, हाँ सुनो, 2 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, फ़ोन कॉल्स कोई भी मत देना, मुझे स्क्रिप्ट्स देख रहा हूँ। हाँ, ख़ास तौर पे तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, ओके? पता नहीं क्या लिखते हैं। You can never predict the next moment because it is the greatest mystery of life. जीवन में किसी बात को तुम पहले से नहीं जान सकते और आने वाला हर पल एक मिस्ट्री। इंटरेस्टिंग। हेलो शंकर सर, तुम जरा अंदर आना। अभी आता हूँ सर। आपने बुलाया सर? जनरली किसी को स्क्रिप्ट पसंद आया तो कुमकुम लगाते हैं दोस्त, तुमने तो इंक भर दिया इसमें। सर वो फाइल बाय मिस्टेक आपके पास पहुंच गई। मुझे देने से पहले इसे तुम नदी में डुबो देते तो बहुत अच्छा होता। सर वो क्या है कि इंक गिर गई थी और उस टाइम करंट भी चला गया सर। वो क्या है कि वो इसको पढ़ा क्या तुमने? जी एक्चुअली 60वें पेज पर इंक गिर गई थी, उससे सारे पेज खराब हो गए, पढ़ नहीं पाया सर। तुम पहले पेज पर इंक डाल देते तो ये समस्या आती ही नहीं, क्यों? ठीक है, ये स्क्रिप्ट पसंद आई, इसके राइटर को बुलवाओ। सर अभी बुलवाता हूँ सर। शंकर बोल रहा हूँ सर। बोलो शंकर। राइटर कहीं नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? सर उसके एड्रेस पर गया था मैं, लेकिन वो खाली करके कहीं चला गया। क्यों बे पागल डायरेक्टर, जिंदा या मर गया? थोड़ा बहुत बिजी हूँ यार। वैसे तुम्हारा कल से क्या प्रोग्राम है? 4 days no shooting। वैसे इंटरव्यू वगैरह है, 2-4 सब्जेक्ट सुनने बाकी है, प्रोड्यूसर से मीटिंग है, फैंस वगैरह और छोटे मोटे काम। क्यों भाई, मुझसे कोई काम है क्या? हाँ अपना ही काम है। एक नेक्स्ट फिल्म के लिए सब्जेक्ट मैंने फाइनल कर लिया, उसके डिस्कशन के लिए सोच रहा हूँ अपने वुडन फार्म हाउस क्यों ना चला जाए। वहाँ पर तो हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ रह के मैं लोकेशंस भी देख लूंगा। तुम चलते तो मजा आता। मैं क्या करूँगा? हाँ एक बार स्टोरी ओके हो जाएगी तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करके मुझे परेशान करोगे। अपना होम प्रोडक्शन है यार। अच्छा सब्जेक्ट क्या बताओ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है, चलते हुए सुनाऊंगा। तो आ रहे हो? श्योर। क्यों? तुम्हें तो बहुत सारे काम थे। वो आने के बाद कर लूंगा। ओके। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट बता रहे थे। अरे बढ़िया सब्जेक्ट बनाने की कैपेसिटी है तुम्हारे दिमाग में। अरे इतना दिमाग मेरा होता तो तेरे साथ फिल्म क्यों बनाता। बाप रे, ये बात है। दूसरे राइटर का सब्जेक्ट है। दूसरे राइटर का? अरे तेरे सब्जेक्ट पर बनाई हर फिल्म सुपरहिट हुई है, फिर दूसरा राइटर क्यों? अरे मेरी कहानी पर बनी दोनों फिल्में सुपरहिट हैं, लेकिन दूसरे आदमी की कहानी से मुझे फिल्म हिट करनी है, यही चैलेंज है। ठीक है, चल स्टोरी बता। तू सुनने के मूड में है? हाँ चल बोल। ओके। तरुण उदय दो दोस्त हाईवे पर कार में जा रहे हैं। इन दोनों से एक लड़की कार खराब हो गई कहके लिफ्ट मांगती है, फिर वो भी इनके साथ सफर करती है। लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि दोनों का दिल उस लड़की पर आ जाता है। अब वो लड़की भी थोड़ी दूर जाने के बाद तरुण से क्लोज होती है। एट द सेम टाइम उदय को भी ललचाती रहती है। तब दोनों के बीच इस लड़की को लेकर वाद विवाद बढ़ जाता है। आजकल फिल्मों में तो एक लड़की दो लड़कों से प्यार करती है, यह कॉमन बात है, लेकिन हमारी फिल्म में वो लड़की किससे प्यार करेगी वही सस्पेंस होगा। उसके बाद स्क्रिप्ट पर इंक गिर गई। इंक इंक यार, वो असिस्टेंट ने स्क्रिप्ट पे इंक डाल दी पड़ते हुए। आगे तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। राइटर को ढूंढ रहा हूँ। तब तक स्टोरी को हम ही क्यों ना डेवलप करें, मैं सोच रहा हूँ। तभी तो जा रहे हैं। इसके लिए वहाँ जाना जरूरी है क्या? एक तो राइटर नया है, इंटरवल कब होगा पता नहीं, सेकेंड हाफ का कोई अता पता नहीं है, ऊपर से होम प्रोडक्शन है। ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो गया क्या? अरे कहानी तो फाइनल करो यार। सुनो, राइटर में और स्क्रिप्ट में कोई खास बात है या नहीं उसे जानने के लिए पहले 15 सीन्स पढ़ना काफी है। इसमें तो 25 सीन्स के करीब है, उनमें भी कोई खास बात नहीं है। अरे दो हीरोइन और एक हीरो की फिल्में काफी आई हैं, लेकिन एक हीरोइन और दो हीरो वाली फिल्में कम हो गई हैं। ऊपर से इसका स्क्रीन पे तो माइंड ब्लोइंग है। हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये फूलिश ही लगता है दोस्त। कहीं कोई रियलिटी नहीं, फ्रेशनेस नहीं, सब आर्टिफिशियल, इधर उधर से मारा हुआ लगता है। अगर हीरो मैं करूंगा तो हीरोइन मुझसे ही प्रेम करेगी ना, तो फिर इसमें नई बात क्या है? सॉरी यार, ऐसे स्क्रिप्ट मैं नहीं करूंगा। क्या बोला? नहीं करूंगा। ओह, तुम नहीं करोगे तो किसी और से करवाऊंगा। करवा लो, सोच लो, 2 हिट फिल्में दी है मैंने। खुद को अमिताभ समझता है? मेरी वजह से हिट हुई है, मेरी मेहनत से। एक बात समझ ले, हीरो को देखने ही लोग थिएटर में जाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा हीरो हो, कहानी के बगैर वो जीरो होता है। वी आर द क्रिएटर्स, वी क्रिएट स्टार्स, डोंट शो योर टैंट्रम्स, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप। चाहे कुछ भी बोले, ये फिल्म मैं नहीं करूंगा। मत कर, बड़ा आया हीरो कहीं का। तू भी कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है। ऑलरेडी प्रूव्ड, इवन आई हैव प्रूव्ड। चल ठीक है, कर लूंगा। मेहरबानी करने की जरूरत नहीं। करूंगा कह रहा हूं ना यार। नहीं चाहिए। बहुत ही हो गई तेरे को है। सॉरी सॉरी यार। एक्सक्यूज मी, मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई है। बहुत समय से लिफ्ट के लिए ट्राई किया मैंने, बट वेट अ मिनट, आई थिंक आई नो यू। आप हीरो ऋषि है ना? ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। व्हाट डू यू वांट? हाईवे पर खड़ी होकर चंदा मांगेगी क्या? लिफ्ट चाहिए यार, कम ऑन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके। रियलिटी, जस्ट कोइंसिडेंस। हो जाए धड़कने, जाने कब कैसे मिल जाए ये सफर, जाने हमें कहाँ ले जाए मुलाकातें। लेट्स गेट गोइंग। कहाँ जाना है आपको? मुझे नेशनल हाईवे तक जाना है जी। हमारा डेस्टिनेशन बीच में ही आएगा, आपको परेशानी होगी बीच में उतरने पर। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मुझे अपनी नानी के गांव पहुंचना है। फ्रेंड्स आदि को छोड़ के गाँव में अकेला रहना पड़ेगा। माय गॉड, सो हॉरिबल। आपको मालूम है, वहाँ तो एक थिएटर भी नहीं है, कोई कंप्यूटर सेंटर भी नहीं मिलेगा चैटिंग के लिए। सो बोरिंग। मुझे पहले से ही मालूम था कुछ न कुछ होने वाला है, वैसे ही मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई। इट्स ओके। आई एम नीलू वर्मा, यू कैन कॉल मी नीलू। आई एम ऋषि। हाय, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हीरो हैं। आपकी मूवीज देखी हैं मैंने, अब बहुत क्यूट लगते हैं, मेरी फ्रेंड्स हमेशा कहती हैं, स्पेशली आपकी आंखें। थैंक्स। आप? हाँ, अरविंद। वैसे आप क्या करते हैं? ड्राइविंग। ओह, ड्राइवर हैं, दैट्स नाइस। हाँ, नो नो नो, ही इज माय डायरेक्टर। मेरी पहली दो फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ऑलराइट, डायरेक्टर भी तो ड्राइवर जैसा ही होता है ना, दोनों सबके बीच फंसते फंसाते रहते हैं। आप? जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, सिनेमा वालों से मिलने का ये पहला मौका है। आप दोनों फ्रेंड्स हैं? नहीं, दुश्मन हैं। अजी बचपन से ही मुझे इसका चौकटा देखना पसंद नहीं, फिर भी जरूरत ऐसी है कि साथ जाना पड़ रहा है। इसको कभी ना कभी मार डालूंगा, सोचा था लेकिन नहीं हो सका। 100% बोलता हूँ एक दिन उड़ा दूंगा। ओए, तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। चुप कर बे, मुझे मारने की सोचने से पहले ही तुझे उठवा दूंगा। चल, मैं तो तुझे बिना बताए मार डालूंगा। तो मैं तुझे बता के खत्म करूंगा। मैं तुझे ऐसा घूसा मारूंगा कि दम तोड़ देगा। जा जा, तेरे घूसे से क्या होगा, अगर मैं घूरूंगा तो तू खत्म हो जाएगा। उफ करूंगा तो तू मर जाएगा। तुझे झापड़ मारूंगा तो मर जाएगा। क्यों डर गई क्या? सपने में भी ऐसा मत सोचना, हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक था? मैं तो सच में डर गई थी। जर्नी करते वक्त ही हमारा टाइम पास है। मेरा दोस्त बहुत मजाकिया है, कभी कभी कुछ सीरियसनेस मेंटेन करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। मजा आ गया ऋषि जी। अरे अब ये जी क्या है? नो फॉर्मेलिटीज, जस्ट कॉल मी ऋषि। ऋषि। ओके, ऋषि। दैट्स गुड नीलू। अच्छा, ऋषि नीलू। Can I take your interview? Most welcome. Thank you. आपके पसंदीदा डायरेक्टर्स कौन हैं? फ्रांसिस फोर्ड कपोला, रोमन पोलेंस्की, स्टीवन स्पिलबर्ग, रामगोपाल वर्मा, मणि रत्नम, बालचंदर सुभाष गई, एंड चंद्रा। And that's it. अरविंद ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, ये आपकी लिस्ट में नहीं है? हीरोज को कभी अपने डायरेक्टर्स में इंटरेस्ट नहीं होता। उन्होंने जिनके साथ कभी फिल्म की ही नहीं, वही डायरेक्टर्स उनको बड़े अच्छे लगते हैं। अमेजिंग। वो क्यों? दूसरे की बीवी सबको सुंदर लगती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, सब हीरो आजकल कमल हासन और अमिताभ बच्चन बनने की सोचते हैं, लेकिन बन नहीं पाते बेचारे। इसलिए उनके साथ फिल्में करने वाले डायरेक्टर्स के साथ काम करने को उतावले हो जाते हैं, मगर वो घास भी नहीं डालते। अरे इन डायरेक्टर्स का नाम लेते ओहो वो लोग इतने महान है सोचने लगते हैं। यूं ही टाइम खराब है, इसलिए ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करना पड़ रहा है, कहते हैं, और हमारी फिल्में करते हैं। सब कुछ चलता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। क्या रे, काफी बड़ा लेक्चर दे दिया। मैं बताता हूँ, हमेशा अपनों की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम नहीं बोला। इतनी सी बात का बतंगड़ बनाएगा ये नहीं सोचा था। ओके अरविंद, आपके पसंदीदा हीरोज कौन हैं? चार्ली चैपलिन, मार्लिन ब्रांडो, अल पचिनो, टॉम हैंक्स एंड कमल हासन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और आमिर खान और संजय दत्त। संजय दत्त? वो तो कॉमेडी भी करते हैं ना, तभी तो मुझे पसंद है। अच्छा, ये सब तो है, पर आपके हीरो आपकी लिस्ट में नहीं। वही तो, इसकी बातें इसी पर लागू हो रही है। इसे सलमान खान कमला हासन के साथ फिल्में करनी है, कैसे करेगा, इसीलिए उनके नाम लेकर। ऑफ कोर्स। यानी तुम दोनों की सोच अलग है और पसंद कुछ और है। कमाल की दोस्ती है। इस दुनिया में तो 90% लोग अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते, जो बनना चाहते हैं बन नहीं पाते, तभी तो ये खोखली बातें। अच्छा सुन, बगल में कहीं ढाबा आएगा तो गाड़ी रोकना। क्यों? फिल्म देखने के लिए। अरे भूख लगी है और क्या। ए, मेरी बात सुन, ढाबा जाएंगे तो वहाँ लफड़ा होगा, ऐसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अरे स्क्रिप्ट फिल्म छोड़ यार, आगे थोड़ी दूर एक बहुत अच्छा ढाबा है, उसे मिस करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, लफड़ा होने दो। मशरूम कैसा बना है? ओके। नमक कम तो नहीं? वो भी ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एकदम घर के खाने जैसा बना है। देखो, प्रॉब्लम यानी खाने में नहीं पूछा मैंने, तुम्हें उनके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो मुझे पसंद नहीं, तुम तीनों लोग एक ही गाड़ी में बैठ के आए हो, वो उधर तुम इधर, क्यों? मैं वेजिटेरियन हूँ और वो नॉन वेजिटेरियन। मुझे तो तुम ही नॉन वेज लगती हो। What do you mean? अब मेरा मतलब तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? जी आप इतना पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। हाँ। कार खराब हुई तो लिफ्ट मांगी। ये देखने में तो जेंटलमैन लगते हैं मगर ऐसा है नहीं। कार में चढ़ते ही अजी ये फिल्मी हीरो है इसलिए ऑटोग्राफ मांगा तो चुम्मा मांगा। ये मुझे पसंद नहीं। क्या बात है? जाने भी दो। Come on, what happened? उसने मेरे साथ। तुम्हारे साथ? उसने मिसबिहेव किया। ढाबे के ओनर ने? उसने क्या किया? बिल छोड़ दूंगा, मुझे चुम्मे दो कहा। मैं संभाल लूंगा। हाँ। संभाल लोगे? पक्का भाई। तो संभालो। सुन ऋषि, जाने दे, झगड़ा मत कर। सुनिए प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनिए, झगड़ा मत करिए। ऋषि ऋषि छोड़ो भी। ऋषि मेरी बात सुनो, झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, देखो अच्छी बात नहीं है। देखो मुझसे पंगा मत लो, मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ना पंगे मत लो। देखिए नीलू, नीलू जल्दी आओ, चलो तुम गाड़ी में। भाई प्लीज प्लीज, वो ऋषि अरविंद हट, तू गाड़ी में बैठता हूँ मैं, गाड़ी में बैठ छोड़ूंगा नहीं। पहले गाड़ी देखिए भाई, प्लीज प्लीज, सॉरी। अरे बोला ना तू गाड़ी में बैठ। नीलू गेट इन। लड़की तो चालाक निकली। कम ऑन बॉयज। ऋषि आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। इट्स ओके यार, तुम क्यों परेशान होती हो? अरे मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता, गलती तुम्हारी थोड़ी है। तुम्हें जानबूझकर मैंने पिटवाया। I mean, मैंने झूठ बोला था। उसने कोई मिसबिहेव नहीं किया मुझसे। What? उसके पास जाकर तुमने मुझसे मिसबिहेव किया, मैंने बोला था। यहाँ तुम्हारे पास आकर उसने मुझसे मिसबिहेव किया ऐसा कहा। फिल्म्स में तो कितने लोगों को हीरो की तरह मारते हो ना, वहाँ तो कपड़े और बाल भी खराब नहीं होते। वैसे ही निजी जिंदगी में फाइट कर सकोगे या नहीं ये टेस्ट किया, जस्ट फॉर फन। लेकिन मैटर इतना सीरियस हो जाएगा मैंने सोचा न था। गाड़ी रोक। आई एम सॉरी ऋषि। स्टॉप द कार। ऋषि जरा तुम मेरी बात तो सुनो। अरविंद तुम तो समझाओ ना। आई सेड स्टॉप द कार। आई एम सॉरी ऋषि, लिसन टू मी प्लीज। आई सेड आई एम सॉरी। ऋषि प्लीज लिसन टू मी। ऋषि गेट डाउन। चलो You did a great mistake. क्या मतलब? नीलू को उतार कर। बेकार की बातें मत कर। उस झगड़े में अगर हाथ पांव टूट जाता तो शेड्यूल कितना अपसेट हो जाता। एक हीरो फिजिकली सिक हो जाए तो कितना नुकसान होता है जानता है ना तू। मुझ पे नाराज होता है, ये तो उसका पागलपन था। जनरली हीरो का सब पर इंप्रेशन बहुत होता है, इसलिए तो फुलिशली बिहेव किया उसने। बात समझने की कोशिश करो, हम भी यूं फुलिशली बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा। रास्ता हाईवे का है और फिर लड़की है। वापस जाके उसे पिकअप करते हैं हम। किसी को तुम दुख नहीं पहुंचाते। इंडस्ट्री में तुम्हारी अच्छी इमेज बनी हुई है, भूल गए क्या तुम? तो मोड़ो। जल्दी कहाँ गायब हो गई? कहाँ चली गई? क्या हुआ होगा? बेकार में क्यों टेंशन ले रहा है, वो नहीं है तो चल चलते हैं। ए जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। हाँ ऋषि, 15वें सीन में वो लड़की व्हीकल बदलती है ऐसा लिखा है इसमें, लेकिन वो किस व्हीकल में गई होगी? कोई व्हीकल तो पास नहीं है। हाँ, मैं जब गाड़ी टर्न कर रहा था तो हमारे आगे एक वैन पास हुई थी, इसका मतलब उसी में चढ़ी होगी। क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम नहीं, देखो जो लिखा है वही हो रहा है। सो व्हाट? व्हीकल बदला उसने और क्या? सुनो, देखो सीन नंबर 16, गाड़ी बदलने के बाद नीलू बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। हे, बकवास बंद कर, जस्ट स्टॉप इट। स्टोरी में जो लिखा है वही हादसा जरूर होगा। ये कोई भविष्यवाणी है क्या? नॉस्ट्राडेमस का विजन है। इसमें जो लिखा है वो जरूर होगा। तू पागल हो गया है, इतने यकीन से तू कैसे बोल सकता है? जब से वो लड़की कार में चढ़ी है तब से सब कुछ वैसा ही हो रहा है, समझे? अरे तुम्हारे मार खाने वाली बात भी इसमें लिखी हुई है। हो सकता है तो आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो सर्च। मैंने बोला था ना तुम्हें, मत उतारो उसे, पर तुम नहीं माने। अब उसे कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा? इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या तेरी बीवी है वो? एक छोटी सी मुलाकात में इतना अटैचमेंट? अरे वो अकेली लड़की है इसीलिए। आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ए शट अप मैन। वैसे नीलू बैलगाड़ी में चढ़ी, ट्रक में या वैन में? आई थिंक आई एम श्योर इट इज अ वैन। ऋषि, तेरी हर फिल्म देखी है मैंने। क्यों बे, तुम हमेशा आगे से ही वार करते हो ना, लेकिन आज तुमने पीछे से वार क्यों किया? हिम्मत है तो सामने से वार करना। क्या एक और कैरेक्टर एंटर होगा? लिफ्ट मांगेगा क्या? उसकी वजह से टेंशन्स भी होंगे? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं चढ़ाएंगे। नीलू, थोड़ा पानी देना प्लीज। वन सेकेंड। हियर। ऋषि, मुझे भी तो दो। थैंक्स। ये मेरा झूठा है। थैंक्स, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। ऋषि, प्लीज डोंट स्टॉप द कार। अरे स्टॉप क्यों नहीं करूं? अरे बोल रही है ना कि कार मत रोको। उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। What? उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया? उसने तुमसे कब मिसबिहेव किया? अरे नीलू बोल रही है ना कि मिसबिहेव किया। ये हमारे साथ ही तो ट्रैवल कर रही है, वो कैसे मिसबिहेव कर सकता है? गॉड प्रॉमिस, अभी उसने किया था। सुना? अरे बोल रही है ना कि अभी मिसबिहेव किया। मिसबिहेव यानी क्या किया उसने? बगल से जाते हुए उसने बहुत गंदी हरकतें की। सुना? बगल से जाते हुए उसने कुछ हरकत की होगी। कार मत रोकना। व्हाई शुडंट आई स्टॉप द कार? प्लीज डोंट स्टॉप द कार मैन। अरे मैं क्यों कार ना रोकूं? अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट स्टॉप द कार। जाने दो। कम ऑन, व्हाई शुडंट आई स्टॉप द कार? बिकॉज़ इट इज इन द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में एक और कैरेक्टर हमारे साथ कार में आएगा तो हमें परेशान करेगा, लिखा हुआ है। तुम मत रोकना। अब एक और नया पॉइंट। ये नया पॉइंट नहीं है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और इस लड़की के लिए ही प्रॉब्लम है। Do you understand? अब चलो। Okay. इसका मतलब लड़की लिफ्ट मांगेगी तो दोगे, लड़का मांगेगा तो नहीं दोगे। No, no, please don't stop the car. देखो, ऋषि मेरी बात सुनो, don't stop the car. देखो जाने दो आगे। सर, स्पीड से जा रहे थे। हाँ। बाइक पंक्चर हो गई। हाँ। लिफ्ट चाहिए ना? या। Come on, get in. Thank you. Hi. Hi. I'm Rakesh. I'm Rishi. Hi. He's Arvind. Hello. She's Neelu. Hi. सुनो राकेश। हाँ? नीलू से तुमने मिसबिहेव किया? मिसबिहेव? सॉरी। नेचुरली सर, अगर कोई भी सुंदर लड़की देखेंगे तो टेंट होंगे ना हम। जस्ट फॉर फन। इट्स ओके। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? इसने क्या किया तुम्हें पता है? क्या किया मैंने? क्या किया कि? इट्स ओके यार। सॉरी बोला ना उसने। ठीक है, छोड़ दिया। नहीं तो? नहीं तो सर उड़ा देती तेरा। देन कम ऑन। कहाँ जाना है? थोड़ा रुकिए तो। कहाँ जाना है मैंने पूछा? अरे बताता हूँ ना, यहाँ बगल में लड़की से बात कर रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा पेशेंस तो रखो। इसे चढ़ाओ मत, मैंने बोला था ना। ओके, देखो हम तीन फ्रेंड्स हैं, हमको मैरिज फंक्शन अटेंड करने जाना था। रात को वो दोनों कार में निकल पड़े, लेकिन मुझे नाइट में कार की जर्नी पसंद नहीं, तभी तो मैं आज अपनी बाइक पर निकल पड़ा। ऑफकोर्स मेरी बाइक पंचर हो गई। यू डोंट बिलीव मी? ओके ये देखो, हम तीनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। हाँ गौर से देखो। क्या था वो? Something is going to happen here. हाँ, आपकी कोई गलती नहीं है, मेरे कदम ही ऐसे हैं। वैसे एक बार कार में लिफ्ट मांग के चढ़ा और भयंकर एक्सीडेंट हुआ। सब लोग मारे गए, मैं अकेला बच गया। और एक बार एक लड़की को मैंने आई लव यू बोला और दूसरे दिन उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। फिनिश। और एक बार मेरे दोस्त की शादी में मैंने किसी से शेक हैंड किया। आउट, हार्ट अटैक आ गया उसको। हे डोंट वरी, आपको मैं बताता हूँ आज कोई मुसीबत आने वाली है या नहीं। कम ऑन, गिव मी योर हैंड, गिव मी, कम ऑन। यू आर सेफ मैन। हे कम ऑन, गिव मी योर हैंड। You are safe too. Ma'am, can I see your hand please? You are totally safe. Something. अब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या ड्राइविंग है, अब तक कोई 3 व्हीकल्स ओवरटेक कर चुके हैं। एटलीस्ट ब्लैक कार को ओवरटेक कीजिए। कम ऑन, फास्ट। अरे पहले से इतनी टेंशन है, फिर भी चेस जरूरी है क्या? टेंशन तुम्हारी वजह से है, तुम चुपचाप बैठो। अरविंद, तुम उस ब्लैक कार को ओवरटेक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे आऊंगी। पर आऊंगी कह के अब इसको यू शुड विन कहती है। नीलू, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है। रात काफ़ी हो गई है, इस टाइम तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हें परेशानी ना हो तो आज रात हमारे साथ रह जाओ, सुबह होते ही चले जाना तुम। ओके। ओके राकेश तुम भी चाहो तो। नो नो मुझे तो जाना है क्योंकि मैरिज अटेंड करना जरूरी है ना। नाइट जर्नी नहीं करूंगा बोला था। कार में तो नहीं मगर लॉरी में जाऊंगा। लेकिन लॉरी इससे भी डेंजरस। लॉरी दूसरों के लिए मुसीबत है। लॉरी का एक्सीडेंट हो भी गया है तो भी इस नाचिस को कुछ नहीं होने वाला। तो पहले लॉरी में क्यों नहीं चढ़ा? पहले कार मिली इसलिए कार में चढ़ गया। ओके अंधेरे में संभल के जाना। अरे अंधेरा इसको देख के डर जाएगा। यू आर टू इंटेलिजेंट मैन। आई नो दैट। टॉर्च मिलेगी क्या? By the way, thanks for your lift. Thanks for your torch. Thanks for your company, baby. ऐसे मत करो, सर काट के दे दूंगा। चुरा लिया है तुमने। राकेश, फिर क्यों बुला रहे हो उसे? नजर नहीं चुराना सनम। तुमने कहा था कोई मुसीबत आने वाली है। Nothing happened. मुसीबत बोल के नहीं आती। जब आएगी तो हम नहीं रहेंगे, लोग उसके बारे में बात करेंगे। ओके एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक गाइस। हां मैम, हैव अ नाइस टाइम, सी यू। क्रेजी। अरे स्कार्फ भूल गया है, मैं देकर आती हूँ। नीलू मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से हम दोनों इस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाएंगे। लेट्स सी। Neelu, this is my wooden Taj Mahal. रंजीत, रंजीत, रंजीत अरे बहरा हो गया है क्या? रंजीत क्या मुसीबत है? रंजीत रंजीत ए रंजीत, एक्टिंग करने का शौक है इसलिए रखा साले को, यहां तो हमसे ही एक्टिंग करा रहा है। ए रंजीत आप लोग फ्रेश हो जाइए। नीलू वो तुम्हारा कमरा, ऋषि एज यूजुअल। ओके ओह आप डर गए का? मैंने ऊपर से आते देखा था तो भाई तो दरवाजा खोल के रखा। ठीक है ठीक है। आप तीन लोग हैं, मुझे खाना तैयार करना है। अरे क्या है कि आपका कुछ बोलना है तो खाने के बाद, यानी कि हमारे खाने के बाद ही बोलना। ओके? इसको तो भगवान ही समझ सकता है। I'm a little corny, but yeah, I know. You know me from someplace. Other night at your restaurant. Yeah, that's right. That's right at the opening. Well, I don't think we ever got formally introduced, now did we? Alana James. Emery Sims. So talk to me. How is it that we ended up running into each other twice in 1 week? हाय। ये क्या रात को अचानक गायब हो गए थे? वो आई वॉज अ लिटिल बिजी, यू नो। सडनली मुझे एक आइडिया सूझा, उसे पेपर पे नहीं लिखता तो भूल जाता। आई एम सॉरी। क्यों तुमने वेट किया था? नो, ऋषि ने कंपनी दी थी। दैट्स ओके। मुश्किल है ना? हाँ, इतनी बड़ी कार को धोना फिर उसे पहुँचना मुश्किल है। मैं कार के बारे में नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। अरे क्या हुआ मेरी पर्सनल लाइफ को? रात को ऋषि ने बताया कि तुम्हारी होने वाली बीवी किसी के साथ भाग गई थी। अरे मेरी होने वाली बीवी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि हमारा मिलन ना हो सका। बस अंडरस्टैंडिंग से हम अलग हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। वो भागी नहीं थी, बल्कि हम एक अंडरस्टैंडिंग से अलग हो गए थे। I am single, real bachelor. Anybody can come into my life. कोई भी मेरी लाइफ में आ सकता है। मेरी मानो तो अपनी मनपसंद लड़की को तुम भगा ले जाओ। क्या मेरे साथ तुम आना चाहोगे? रोड पर जाना है, नानी को फोन करने। Can I wash my hands and change my dress? Sure. Thank you. भगा के ले जाने का मतलब यही होता है का? आप तो यहाँ स्टोरी डिस्कस करने को आए थे ना? लेकिन आपके हीरो साहब तो बहुत बिजी है, आप स्टोरी हमसे काहे नहीं डिस्कस कर लेते हैं? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे 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 तू मुझे भागा। अरे भाई अरे पागल हो गया क्या? अरे अरे भाई अरे देखो अरे हेलो नानी माँ, मैं नीलू बोल रही हूँ। 1 और 2 डेज में वहाँ पहुँच जाऊँगी बोला था ना, मगर मुझे बीच में काम पड़ गया और रुक गई। तुरंत आ रही हूँ। क्या कहा? नहीं रुकेगा? मुझे उससे शादी नहीं करनी। इतनी जल्दी है तो तुम कर लो। ओके सी यू। फोन रखो। ओके बाय बाय बाय। अब चलें? तुम्हारी नानी माँ के गांव तो तुम 4 घंटों में पहुंच सकती हो ना, फिर क्यों उन्हें परेशान किया? जी वो मेरी कार खराब हो गई है ना, उसे बिल्कुल ठीक कराने में टाइम तो लगेगा, और मैकेनिक को ढूंढ के फिर कार ठीक कराने में टाइम तो लगेगा ना। फिर 2 दिन की बात क्यों कही? तुम्हें मेरा इंटरव्यू चाहिए ना? कम ऑन। ऋषि 1 मिनट। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। What? I'm not a journalist. But why you lied? ऋषि आप जैसे लोग वही टीवी और फिल्म वालों को देखना, उनसे बात करना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन सच हो गया। लकीली तुम लोगों से मुलाकात हो गई, तुम्हारे साथ जर्नी भी की। इट्स अ ग्रेट थ्रिल। फिर से तुम लोगों को मिल पाऊंगी या नहीं यही सोचकर मैंने नानी से झूठ बोल दिया। मैंने गलत किया। Get in. कैसा जादू अरे तूने किया मुझ पे। मेरी जवानी मैंने तेरे हवाले की। अरे दिखाइए दिखाइए दिखाइए। सारी दोनों मजा करके आ रहे हैं, शादी भी कर लिया लगता है। रंजीत मेरा सामान उनके कमरे में रख दो। समझ में नहीं आया? जस्ट मैरिड, सुहागरात के लिए कमरा तैयार करो। ओके Cheers. कुछ कहना था, बोल रहा था, स्टोरी सुनाने वाला था। तुम सुनोगे तब ना, तुम बोलोगे तब ना। सुनने वालों को इंटरेस्ट होगा तो बोलने वाले को भी इंटरेस्ट होगा। क्या बोला? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, तुझे इंटरेस्ट है ही नहीं, तभी तो माला भी पहन के आए हो। बेकार की बातें मत कर। एक मंदिर गए, वहाँ एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने माला पहनाई। उन्होंने कहा घर पहुँचने तक माला मत निकालना, दैट्स इट। लेकिन वो मैडम तो सुहागरात की बात कर रही थी। बच्चे भी पैदा हो गए, मान लिया तूने? एक छोटा सा मजाक किया था उसने। एक और बात, मैं उसे नहीं लेके गया था, वो ही मुझे ले गई थी तुझे जलाने के लिए। मुझे सताओगे? अरे वो शादी के पहले भाग गई थी और तुम इसको लेकर भाग गए। मैं उसे भगा के ले गया? तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, चल बंद कर। बैठो। ए, औरत ज़्यादा डेंजरस होती है, ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। उस बाजारू तितली के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत। माइंड योर लैंग्वेज। नीलू ऐसी नहीं है। यस, लाइक ए बिच। पागलपन की हद होती है। कोई और होता तो क्या मारोगे? अरे मैंने उससे कुछ कहा तो तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ, मारो मारो मुझे। देख बोल रहा हूँ, बहुत हो गया, अब अगर ज्यादा बोला तो ठीक नहीं होगा। क्या करेगा तू? तू हीरो है तो मारेगा मुझे क्या? मैंने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है। बोल, एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूंगा, वो बिल्कुल बाजारू औरत है। वो बाजारू औरत है। अरविंद, अरे मारेगा तू? अरविंद मेरी बात सुनो। अरविंद मेरी बात सुनो। बात छोड़ो, तुम क्या करोगे? अरविंद मारो। अरे मैं कह रहा हूँ, उठा मारो। अरविंद एक बार मारो, मैंने कहा मारो ना, मारो। गुस्सा मत दिला। खाना खाया ही नहीं, हजम कहाँ से होगा? लड़ रहे हैं वो दोनों, और वो भी तोहरे खाते तरुण उस लड़की को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे, तब उदय का चश्मा नीचे गिर जाता है और इस तरह दोनों लड़ते हुए घर के बगल में जो तालाब है उसमें गिर जाते हैं। क्यों भाई शंकर, राइटर तुम्हें मिला या नहीं? मिल गया सर। गुड, तुरंत उसे हमारे वुडन हाउस में भेजो। इतनी रात को? अरे ये बात नहीं है, कहानी कोई भी हो, वैसे लड़के एक लड़की से प्यार करते हैं, बड़ा कॉमन है, लेकिन अब तो हमारी कहानी में वो लड़की किससे प्यार करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी बड़ी बात है सर? खासकर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुरंत उन्हें भेजो यहाँ पे। ठीक है सर। ओके। हमने भूख तक को साथ बांटा था, लेकिन आज इस मुकाम पर आके यूं। आई एम सॉरी। मी टू। वो आपके असिस्टेंट ने भेजा मुझे आपसे मिलने के लिए। ओह, वेलकम। थैंक यू। तुम वापस जाओ। ये जगह कैसी लगी तुम्हें? शहर से विशाल है, शमशान से भी सुनसान है ये जगह सर। मतलब? सिटी में कोई आदमी मरता है तो उफ कहने के लिए भी मन नहीं करता। यहाँ कोई आदमी मरेगा तो उफ कहने के लिए आदमी भी नहीं मिलेगा। जंगल को एक राइटर ही सुंदर रूप से बयान कर सकता है। हाँ ऋषि, यही है हमारा राइटर। तुम्हारा नाम? राइटर का, राइटर से बढ़के और क्या नाम होगा सर। हम ऋषि सत्यम, ये फिल्म का हीरो, वैसे मेरा क्लोज फ्रेंड भी है। एंड शी इज नीलू, नीलू वर्मा, अ फ्रेंड। हाय। चलिए, आपसे बहुत बातें करनी है। एक्सेलेंट स्क्रिप्ट। थैंक यू। सीन्स तो काफी बढ़िया लिखे हैं। स्क्रिप्ट की एक और कॉपी है? वो एक ही थी सर, जो मैंने आपको भेजी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कहानी की बात करता हूँ। तो तरुण और उदय दो फ्रेंड्स हैं, दोनों जर्नी कर रहे हैं। रास्ते में एक लड़की लिफ्ट मांगती है, दोनों के साथ फ्रेंडली हो जाती है, लेकिन वो तरुण से थोड़ा ज्यादा क्लोज होती है और उदय के दिल को टटोलती है। वो दोनों दोस्त उस लड़की पे फिदा हो जाता है और आखिर में वो दोनों उस लड़की के वास्ते लड़ते हैं आपस में। वैसे एक लड़की से दो लड़कों का प्यार काफी कॉमन है, लेकिन उस लड़की के मन में कौन है, वो किससे प्यार करती है, यही सस्पेंस है, यही टेंशन है। आप मुझे बताइए, किससे प्यार करेगी वो? सर क्या है, दोनों से प्यार नहीं करेगी? प्रेम दीवानी फिल्म तो बन चुकी है ना जी। वो लड़की एक्चुअली तो वो क्या दोनों से प्यार करेगी? सर मैंने कुछ और सोचा है सर। कुछ और से मतलब? यानी आपको मैं सिचुएशन समझाता हूँ। वो तरुण है, मैं उदय हूँ, सोच लीजिए। उसके साथ क्लोजली रहती है वो, मेरे दिल को टटोलती है। ओके, तो आखिर में वो किसी न किसी को पसंद करेगी। आप मुझे बताइए, वो किसे पसंद करेगी? मेरा वर्जन तो अलग है। मैंने क्या लिखा है कि अच्छा, आपका वर्जन समझाओ, चलो बताओ भी। इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा, मारने वाली वही लड़की होगी। क्या ये लव स्टोरी नहीं है क्या? नो सर, थ्रिलर है। पूरी कहानी पढ़ते तो पता चलता। लेकिन वो लड़की किसी को क्यों मारेगी? वो लड़की एक साइको किलर है। साइको किलर है तो दोनों को मारना चाहिए। देखिए, साइको किलर मतलब कब, क्यों, कहाँ, किस लिए, क्यों मारेगी किसी को पता नहीं सर। वो तरुण है तो मैं उदय, हम दोनों में से कौन मरेगा? एक मिनट, क्या है? I want to talk to you a minute. Please come. Excuse me, Neelu. Yeah, sure. सुन, राइटर कहता है ये लव स्टोरी नहीं, थ्रिलर है। मैंने अभी सेकंड हाफ सुना। लड़की हम दोनों से भी प्यार नहीं करती, दोनों में से एक को मरना होगा। मारने वाली यही लड़की होगी, यही नीलू वर्मा। तुम्हें खत्म कर देगी, राइटर ने मुझे बताया। क्या लोग फिल्म में हीरो का मरना एक्सेप्ट करेंगे? वैसे तुम कहोगे तो ये रोल मैं कर। अरे मैं स्टोरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सचमुच तुम मरने वाले हो। ये नीलू वर्मा ही तुम्हें खत्म करेगी। क्या नीलू वर्मा मुझे खत्म कर देगी? पर क्यों? शी इज अ साइको किलर। हाँ, वो तुझे मार डालेगी। क्या बकवास कर रहा है? ये तुझे साइको किलर नजर आ रही है? स्टोरी में जो लिखा है वही हो रहा है यहाँ पर। याद है ना हमने मारपीट भी की थी? क्यों, सही है ना? लुक, 2000 में बहुत बड़ा भूकंप आएगा, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, ऐसा लोगों ने कहा था। ऐसी भविष्यवाणी कितने लोगों ने कितने ही न्यूज़पेपर्स में लिखी थी। ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ना, फिजूल में दिमाग खराब मत कर। अरे यही रियलिटी है, सच है, मेरी बात मान। जो लिखा है वैसा ही हुआ है ना, ये भी होगा। सुन, तुझे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये सब कोइंसिडेंस है। अमिताभ बच्चन की आवाज के बारे में कई फिल्मी हस्तियों ने सवाल खड़ा किया, यहाँ तक कि फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें गूंगा बना दिया था। लेकिन आज उन्हीं की आवाज हर हिंदुस्तानी के दिल में है। तुम लोग इसे केवल ईश्वर की कृपा कहते हो, ईश्वर की कृपा, लेकिन मैं इसे कोइंसिडेंस। यहाँ तो जो स्टोरी में लिखा है वही हो रहा है। स्टोरी में है वो नहीं हो रहा, जो होना है वो हो रहा है। ये डेफिनेटली तुझे मार डालेगी यार। ठीक है, मरने दो मुझे, राइटर आया ना, जाओ अपने स्क्रिप्ट का काम देखो। ऋषि सुन, Sourav Ganguly, the captain. Cross the night. 50. Sourav Ganguly, the captain, comes out. कुछ नहीं हो सकता इनका। समाचार। अपने राज्य में हाईवे पर बहुत हत्याएं हो रही हैं। ये बात लोग जानते ही हैं, लेकिन आज तक ये हत्याएं कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है किसी को भी पता नहीं चल सका। लेकिन अब पता चला है कि ये खून एक औरत कर रही है। तहकीकात करने के बाद पुलिस ने ये खबर दी है वो हाईवे पर घूमती है, फिर इसी तरह वो लिफ्ट मांगती है और घर तक भी आ जाती है। उसके बाद हमला करके मार डालती है। सबको चेतावनी दी जाती है कि अज्ञात लड़कियों को लिफ्ट ना दें, किसी को घर में आने मत दीजिए। खबरदार कर रही है। आपको किसी पर भी शक हो तो तुरंत पुलिस स्टेशन में इत्तला करें। ऋषि, ऋषि, हे ऋषि। ए ऋषि, अब क्या हुआ? ए ऋषि, अभी अभी टीवी में न्यूज में सुना, साइको किलर इसी एरिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। वो भी एक लड़की है, पुलिस ने खबर दी है। वो कोई कारण बता के लिफ्ट मांगती है और घर में घुस के मार डालती है। हमने भी हाईवे पर ही लिफ्ट दिया था, वो यहाँ तक पहुँच गई, अब हमें मारेगी। हमने उसे जिस जगह पर लिफ्ट दिया था वो लोकेशन भी टीवी में पूरा दिखाया। कितनी बेरहमी से मार डाला दो लोगों को इसी लड़की ने। मेरी बात मानो, हम वापस चलते हैं। तू पागल हो गया है? मैं तो जा रहा हूँ, तुम आओगे या नहीं? अरे सुन मेरी बात तो सुन, इतना टाइम नहीं है दोस्त। खामखा घबरा रहा तू। मौत सर पे मंडरा रही है, जानते हुए भी यहाँ रहना पागलपन है। देख, जाने का रास्ता बंद है तो जाने की बात सोचना भी बेवकूफी है। व्हाट? तू जिस चैनल पर देखकर उस साइको किलर के बारे में सोच के डर रहा है, उसी चैनल में अभी दूसरी खबर आई है। जरा जाके वो खिड़की खोल। अरे खोल ना यार। विभाग ने चेतावनी दी है, तूफान आने वाला है। हमारे जाने वाले रास्ते में पेड़ वगैरह रोड पर गिरे हुए हैं। अब वो तूफान इस ओर बढ़ा है। जब तक तूफान यहाँ से गुजर नहीं जाता हमें यहीं रहना होगा। और वैसे कार भी कंडीशन में नहीं है। इतना जानने के बाद भी अगर तुम बाहर निकलोगे तो रास्ते में बेमौत मारे जाओगे। इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये कहानी से संबंधित नहीं, सोच समझ के फैसला लें। डैम इट। ऋषि 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 वो नीलू। क्या है, क्या बात है? अरे वो नीलू वहां बाहर अंधेरे में झूला झूल रही है। इस समय इस तरह कोई मामूली लड़की ऐसा काम करेगी क्या? चल देखते हैं। हाँ चलो देखो देखो। ये बात नहीं, नीलू अंदर है, आओ दिखाता हूँ। मैंने देखो नीलू वहां सो रही है। There is something wrong with you। नहीं, तुझे कुछ हुआ है लेकिन। अरे बहुत डर लगता है तो मेरे कमरे में आके सो जा। नहीं ठीक है, तो फिर रंजीत के कमरे में जाके सो। का मैडम काहे वाशिंग मशीन ऑन करके आई? का जंगल में सोते हुए डर लगता है। जब वाशिंग मशीन ऑन कर दिया, जब रंजीत यहाँ है तो आप काहे डरती है जी? रंजीत जंगल किंग है। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऋषि से वाकई शादी की का, जो सुहाग रात के लिए बोल रही थी? समझा, पहले ऋषि साहब अरविंद साहब आपके वास्ते लड़ रहे थे, तब ऊपर से वो राइटर साहब भी पहुँच गए और तब से कौनू गड़बड़ घोटाला हो रहा है। वैसे डायरेक्टर साहब आपसे डर रहे हैं क्यों? जब भी देखो घूरते रहते हैं चुप चुप के। हम सब कुछ समझ रहा हूँ जी। अरे ऐसा काहे घूर रही है, हमको बेकार की बातें बोल रहा हूँ का? हमको मारोगी? मार तो मारो मारो मारो, हम डर जाऊँ का? बाप रे मैडम हमको ज्यादा बोल गया का। सॉरी मैडम, गुड नाइट, आप सो जाइए। ये तो राकेश का बैग है। राकेश कब आया? ऋषि! हाँ। चला गया था, बाथरूम में था मैं। ये क्या है? She started killing यार। She killed राकेश। राकेश को? वो तो वही रास्ते में उतर गया था। राकेश जहाँ उतरा था, नीलू भी उसके पीछे उतरी थी। अंधेरे में उसको मारकर वापस आ गई थी। राकेश के सिर को काट कर बाहर रखा है। क्या बक रहा है तू? I'm seriously telling you, बात को समझो, please। चलो तुम्हें दिखाता हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुन। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। राकेश का सर यहीं पर है। मेरी बात नहीं मान रहे हो ना तुम? अरे यही मैंने देखा था राकेश का सर थोड़ी देर पहले, यही 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 देखा था मैंने राकेश का सर। ओके ओके, आई प्रूव इट। राकेश का बैग, वो जब उतरा था तब हमने उसे टॉर्च दिया था। दरवाजे के पास ही मैंने उसे देखा था। उसे देखकर तुम्हें भरोसा हो जाएगा। कम ऑन, आई विल शो यू। तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? खुद ही देख लो। यही वो बैग टॉर्च देखा था मैंने। यही इसी जगह देखा था बैग और टॉर्च। बाद में आवाज आई तो मैं वहां चला गया। मेरी बात मानो, वो यही कहीं घूम रही है। गॉन मैड, भ्रम है। इट्स जस्ट हेलुसिनेशन। आप समझ में आया? जो नहीं है उसको सोच के परेशान हो रहे। जाओ, जाके सो जाओ। अरे बात इनफ। दैट्स इनफ। हे, तुम अभी तक सोई नहीं क्या? क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? अभी तक सोई नहीं क्या? क्या बात है, नींद नहीं आ रही है? Are you okay? Any problem? कौन है ये लोग? ये हमारे सिक्योरिटी के लिए है, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये क्या बात कर रहे हो? प्राइवेसी नहीं रहेगी सिक्योरिटी से। तुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ओके? रंजीत। जी सर। इनको इनका कमरा दिखाओ। आइए, चलिए। लगता है तूफान थम गया है। इतना समझाया लेकिन ऋषि उस लड़की को ही सपोर्ट कर रहा है। प्रेम इसे कहते हैं। लेकिन आपने बोला वो किसी से प्यार नहीं करती। वो लड़की प्यार करती है ऋषि से। मुझे तो ये नाटक लगता है। What do you mean? बोलो अब इसके बाद क्या होगा? क्लाइमैक्स। मतलब? आपको बोला था मौत तो होगी। तो अब इमीडिएटली क्या होने वाला है? ऋषि मरने वाला है। नो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इट इज गोइंग टू बी बियॉन्ड ह्यूमन माइंड्स कॉम्प्रिहेंशन। आपकी सोच से कहीं दूर, आपके ख्यालों में जो मुमकिन नहीं वही अब होने जा रहा है। रामदास, मनीष, जाओ लड़की का पीछा करो। कौन? अरविंद, ऋषि है क्या? वो यहाँ क्यों आएगा? क्या है कि वो अपने रूम में नहीं है, कहाँ गया होगा? क्या पता। बता देते कि ये सब कुछ नाटक था, फिर वो हमारे बीच में नहीं आएगा। नहीं, इस तरह छुप छुप के मिलने में बहुत मजा है। एकांत में दूर से चांदनी की रोशनी जब पड़ती है सुनसान जगह पर, वहां इस वक्त कोई नहीं होता, बस तुम और मैं और तन्हाई हो। किसी ऐसी जगह चलते हैं। ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी देर बाद आता हूँ। ओके, तुम वहाँ होगे ना? told you that, surely? No, actually. जा रहे हो उसी को मिलने क्या? बेमौत मारे जाओगे। चलो वापस चलते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। देखो मेरे साथी मामले में दखल मत दो। नीलू बाहर अकेली गई है, मुझे भी जाना होगा। अरे वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बल्कि मार के तेरे टुकड़े टुकड़े करने के लिए बुला रही है। पागलपन की भी हद होती है। हटो। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूं जाओ। जाओ बोला। ऋषि मेरे दोस्त, मेरी बात मान। तुझे नहीं जाने दूंगा। तो मेरा रास्ता छोड़। ऋषि मेरी बात अरविंद जी, कहाँ चले गए? अरविंद जी। तुम जाकर पुलिस फोर्स लेकर आओ। ओके सर। Baby, I just need you to give me tonight, all right? Look, I need a second to come down off all of this, you know what I'm saying? लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ओह Wait, sir. I can explain, sir. 1 minute, sir. मेरा नाम अरविंद है. मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ. वो वुडन फार्म हाउस मेरा ही है, सर. इतनी रात गए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऋषि उस तरफ गया है, सर. वो लड़की भी उस तरफ गई है. वो उसे मार डालेगी. कौन है वो दोनों? सर, ऋषि मेरा दोस्त है और वो लड़की साइको किलर है. ऋषि मेरे 2 फिल्मों में हीरो का रोल कर चुका है. सर, कल रात को टीवी में न्यूज़ में मैंने देखा था. ये वही लड़की है, सर. हम जब हाईवे पर आ रहे थे इसी ने लिफ्ट मांगी थी, सर. हमारे साथ यहाँ आई थी. ऋषि को बहका के वो लड़की उस तरफ ले गई है, सर. उसे मार डालेगी, सर. हमें उसे बचाना होगा, सर. आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए, सर. किस तरफ गए हैं? उस तरफ गए हैं, सर. चलो. हाँ, आइए, सर. मार डाली इसे, शूटर। क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है, तुम थोड़ी देर चुप रहो। सर मेरी बात सुनिए सर, वो डायन है, आपने उसे नहीं मारा तो भाग जाएगी। शूटर आप चुप रहो। ए, ये गन तुम्हारे पास कैसे है? ड्रॉप द गन। सर दिस इज द लाइसेंस गन, आप उसे मारेंगे या मैं मारूं? नहीं तो वो हमको भी मार देगी सर। आई सेड ड्रॉप द गन। सर शी इज अ ब्लडी साइको किलर। तुम मेरी बात मानो। सर इसने कितने मासूमों को मारा है आपको शायद पता नहीं। नीचे फेंको। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ड्रॉप इट। छोड़ो मैं, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरविंद सर, अरविंद सर, मुझे मालूम है आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं। मरने वाला तो वो था, फिर मैं क्यों मर रहा हूँ यही जानना चाहते हैं सर। मैं जानता हूँ सर, सर 8 सालों से इस कहानी को मैं बड़ी आशा से लिख रहा हूँ। कितने डायरेक्टर्स को सुनाई मैंने ये कहानी, सभी ने यही कहा थ्रिलर नहीं, लव स्टोरी चाहिए, लव स्टोरी लेकर आओ कहते थे। वैसे सर आपको भी तो लव स्टोरी ही बनानी थी। पता नहीं क्यों ये मूर्ख राइटर, सचमुच ही मैं एक मूर्ख हूँ। मैंने अपने अहंकार को छोड़कर स्टोरी को चेंज करके अभी इसी वक्त कहानी का क्लाइमेक्स बदल दिया सर। सर उन दोनों को मैंने मिला दिया सर, आपके कैरेक्टर को मार डाला सर। हाँ सर मैंने आपके कैरेक्टर को मार डाला और इस कहानी को लव स्टोरी बना दी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। अरविंद सर, सर मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मुझे माफ कर दीजिएगा सर। अरविंद तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त। अरविंद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं। समझाया था मुझे, लेकिन मैं नहीं माना। Now, I'm not going to leave you. कौन हूँ? टीवी न्यूज वाली साइको किलर वो मैं ही हूँ। जब तुम टीवी देख रहे थे मैं वहीं पर थी। हाईवे पर ब्लैक कार चेस करके एक्सीडेंट, कुछ याद आया तुम्हें? खूब ठेस किया तुमने। मैं तो अपने रास्ते जा रही थी, मेरी कार को टक्कर मार के भाग गए। मैं जिंदा हूँ या मर गई ये देखा तक नहीं। मैं तुम लोगों के पीछे वुडन हाउस तक पहुँची, तुम्हारे साथ ही रही, एक एक करके सबको मार डाला। मुझे औरत जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ मर्द जात से नफरत करती हूँ। वो दुश्मन है मेरे। मर्दों को मारने में मुझे कितना आनंद मिलता है पता है तुम्हें? तुम्हारे आंखों में डर देख के मुझे खुशी मिलती है। मैं तुम्हें वुडन हाउस में ही मारना चाहती थी, मगर मैंने तुम्हें वुडन हाउस में नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हें डरा डरा के मारना चाहती थी। मेरा मकसद हमेशा तुम जैसे मर्दों को मारना है। अब तेरी बारी आई है, मैं तेरा भी खात्मा कर दूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी, नामो निशान मिटा दूंगी, समझे? पहले बोला था ना मुझे औरतों से कोई शिकायत नहीं है, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ मर्द जात से है। सॉरी नीलू,